इसी नदी को सिकंदर पार नहीं किया था। सिकंदर की सेना कही कि आप ना पार कर पाएंगे, मैं करा जो इसको पार करेगा आन्हर हो जाएगा। दो चार को गया पार करने की आन्हरे हो गया वो। तो सतलज की सहायक व्यास व्यास नदी, कौन सी नदी? इसी नदी को सिकंदर पार नहीं किया था। सिकंदर नदी को पार करने से किसने मना किया? सिकंदर की सेना कही आप ना पार कर पाएंगे, मैं करा बड़ी बाढ़ आया है नदी में, समझ में गया कि नहीं आएगा? हेलवे नहीं किया उसको, क्योंकि ना वहां पर हल्ला कर दिया गया था चाणक्य और उसके पूरे लोगों द्वारा कि व्यास नदी एक धार्मिक नदी है, जो इसको पार करेगा आन्हर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे यहाँ तो एक से एक होता है। दो चार को गया था उसके लिए, दो चार को गया पार करने के लिए, तो जोहर खिया दिया सब, आन्हरे हो गया वो। कहा कि देख रहा है पार करने गया था नदी पार करने गया, तो जानबूझ के खिया दिया तो जोहर। तो सिकंदर छल कपट से यहाँ से वापस गया, नहीं तो आके बहुते मार काट कटता यहाँ पे। हम लोगों को आपस में न लड़ा दिया। आप सारा गढ़ी की लड़ाई देखें, उसमें आप जिसमें ये गाना है तेरी मिट्टी में मिल जाओ, सिख सैनिकों ने पूरे अफगानिस्तान को भगा दिया ना। मार उछाते से तो अंग्रेजों को नहीं मार देते, जब उतना बड़ा अफगान सैनिकों को मार दिए सारा गढ़ी की लड़ाई में, तो सिख सैनिक चाहते से तो अंग्रेजों को नहीं मार देते। लेकिन आपस में ऐसा ऐसा करके अंग्रेज सब मेंटली चाल चला सब, कि अंग्रेज के लिए हमारे सैनिक लड़ रहे थे सब। हम लोग के सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े, में हमारे सैनिक प्रथम विश्व युद्ध लड़े, लेकिन हमारे सैनिक ब्रिटेन से नहीं लड़े। समझ में गया कि नहीं? मेंटली चाल चलना चाहिए। समझ में गया कि नहीं? हल्ला पोस्टर चिपका दो, जो अंग्रेजों से लड़े पड़ोसी की औलाद। नहीं समझ में आया? भारत में सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती है। समझ में गया कि नहीं? आ गया, हल्ला हो जाए यहाँ पे। और जिसका सैनिक अंग्रेजों की ओर से लड़े उसके बाप को देखो, तुरंत चिट्ठी लेके बबुआ आज होते आज भारत सरकार की ओर से लड़ो, आजाद हिंद फौज सुभाष बाबू। नहीं समझ में आया? सुभाष, असल में उस समय मीडिया नहीं थी, तो अचानक आप नहीं पहुंचा सकते थे खबरों को। अभी क्या है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, दाएं से यहां बोलिए और शाम शाम तक पूरे भारत में फैल गया। पूरे भारत में क्या हो जाता है, फैल जाता है। नहीं बोल सकता है किसी को कोई दिक्कत?